ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या का तूफान, आखिरी ओवर में टीम इंडिया को ऐसे जिताया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड पर टीम इंडिया की झोली में गया, जहाँ पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस महामुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड, तो उनके साथ थे मिचेल मार्श। दोनों बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज किया ट्रेविस हेड ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव के चलते। पहले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने भी दूसरे ओवर में शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का इन्होंने भी शानदार तरीके से आगाज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पहला छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से ही देखने को मिला, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पांच ओवर में ही टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि काफी शानदार शुरुआत हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की। तभी दोस्तों यहां पर पहला छक्का ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिराज की गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट के साथ छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद शमी के ओवर में भी उन्होंने शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी का दूसरा छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को पहली सफलता मिली 11वें ओवर की पांचवी गेंद पर, जब कुलदीप यादव को अपना केस थमा बैठे ट्रेविस हेड और टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या ने पहली सफलता प्राप्त की 31 गेंदों पर 33 रन बनाकर पेवलियन लौटे ट्रेविस हेड। तो वहीं पर इसके बाद उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन स्टीव स्मिथ आए और स्टीव स्मिथ गए, क्योंकि आते ही उनको भी हार्दिक पांड्या ने पेवलियन की राह दिखा दी। विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा स्टीव स्मिथ को, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर डेविड वार्नर इस टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे, तो वहीं पर मिचेल मार्श अभी भी काफी शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को अब वो 100 रनों की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता मिचेल मार्श के रूप में मिली। मिचेल मार्श जब टीम का स्कोर 85 रन था तो अपना विकेट गंवा बैठे, उन्होंने 47 गेंदों पर 47 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने ही उन्हें बोल्ड करके टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी। इसके बाद डेविड वार्नर और मार्नस लाबुसेन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने एक बेहतरीन चौका कुलदीप यादव के ओवर में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनकी अच्छी बल्लेबाजी जारी रही, हालांकि वो सिंगल डबल के साथ ही अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी यहां पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहा कुलदीप यादव के सामने, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और हार्दिक पांड्या को अपना केस थमा बैठे और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली। इस बार कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को पेवलियन भेजा, जिन्होंने 31 गेंदों पर 23 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया 25 ओवर में 125 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी एलेक्स केरी और मार्नस लाबुसेन के बीच देखने को मिली। इसी बीच मार्नस लाबुसेन ने भी एक बेहतरीन चौका यहां पर पीछे शॉट खेलते हुए लगाया, जो कि यहां पर स्वीप शॉट के जरिए गया, लेकिन इसी बीच वो भी गलती कर बैठे जब कुलदीप यादव की गेंद को एक और बड़े शॉट के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर शुभमन गिल को अपना केस थमा बैठे और कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई मार्नस लाबुसेन के रूप में। मार्नस लाबुसेन 45 गेंदों 28 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एलेक्स केरी ने मार्कस टोनिस के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो वहीं पर एलेक्स केरी ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक स्वीप शॉट के जरिए चौका लगाया, तो वहीं पर मार्कस टोनिस ने भी कुछ ऐसा ही किया, जहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाया। इसके बाद एलेक्स केरी और मार्कस टोनिस के बीच हुई एक बेहतरीन साझेदारी ने यहाँ पर टीम के स्कोर को 196 रनों तक पहुँचा दिया। अब टीम यहाँ पर 200 रनों की तरफ बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि अब मार्कस टोनिस अच्छे तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे।
तभी यहां पर टीम इंडिया को मार्कुस स्टोइनिस के रूप में एक और सफलता मिल गई। 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कुस स्टोइनिस बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। मार्कुस स्टोइनिस को अक्षर पटेल ने पेवलियन भेजा। उन्होंने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की और 26 गेंदों पर 25 रन बनाए, लेकिन वो भी एक सेट होकर पेवलियन लौटे। वहीं पर ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पकड़ में ले लेगी, क्योंकि 196 पर 6 विकेट गिर चुके थे। तभी 39वें ओवर में एक और सफलता टीम इंडिया को मिली एलेक्स कैरी के रूप में। एलेक्स कैरी को पेवलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड करके आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 7 विकेट 203 रनों पर गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इस टीम के लिए शानदार तरीके से बेहतरीन अंतिम खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, खास करके एबॉट जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों पर 26 रन बनाए। तो वहीं पर एस्टन एगर ने भी 21 गेंदों पर 17 रनों का योगदान दिया, जबकि मिचेल स्टार्क ने 11 गेंदों पर 10 और एडम जेम्पा ने भी 11 गेंदों पर 10 रन बनाए, जिसके चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने एक शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। यानी कि दोस्तों 49 ओवर में 269 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई। तो वहीं पर इस 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल तो उनके साथ थे रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को काफ़ी शानदार शुरुआत दिलाई। मिचेल स्टार्क के पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 4 ही रन बनाए, लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मार्कुस स्टोइनिस के ओवर में भी संभल कर बल्लेबाजी की और इस ओवर में भी सिर्फ 3 ही रन बने। यानी कि टीम इंडिया 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रनों तक ही पहुंची थी, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का शुभमन गिल ने जड़ा और टीम इंडिया के लिए छक्कों का आगाज कर दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन हो चुका था। इसके बाद चौथे ओवर में भी एक चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों शुभमन गिल ही यहाँ पर 5 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जब 5वें ओवर में भी उन्होंने मिचेल स्टार्क की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाए और टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति तक 27 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद एक बार फिर छठे ओवर में टीम इंडिया के लिए कोई बाउंड्री नहीं आई और मार्कुस स्टोइनिस के इस ओवर में भी 4 ही रन बने, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने, जब उन्होंने मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका लगाया, जबकि इसी ओवर में रोहित ने भी अपने चौकों का आगाज किया। लेकिन रोहित शर्मा यहीं पर नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बेच दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में भी एक शानदार शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पीछे भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 48 गेंदों पर ही 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद रोहित के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम के लिए बेच दिया एडम जेम्पा की गेंद को 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया को शानदार तो शुरुआत दिलाई चुके, लेकिन इस मुकाबले को भी फिनिश करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने 9 ओवर में 65 रन बना लिए थे। तभी रोहित शर्मा एबट की गेंद पर एक और फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे वो स्टार्क को अपना कैच थमा बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। रोहित ने मात्र 17 गेंदों पर ही 30 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, तो विराट कोहली यहाँ पर शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और टीम इंडिया का स्कोर अब पहुंच चुका था 12 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को 13वें ओवर में एडम जेम्पा ने एक और झटका दिया। इस बार शुभमन गिल का विकेट टीम इंडिया को गंवाना पड़ा। शुभमन गिल LBW आउट होकर पेवलियन लौटे। उन्होंने 49 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। अब टीम इंडिया 77 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल के साथ मिलकर विराट कोहली ने टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली के बल्ले से 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेस्टन एगर की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद तो वो अपनी शानदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रख रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 111 रन हो चुका था। हालांकि अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति
स्थिति में पहुंचा दिया था और दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और टीम इंडिया का स्कोर अब 25 ओवर की समाप्ति के बाद 123 रन पहुंच चुका था। लेकिन तभी अक्षर पटेल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। लेकिन इसी बीच दूसरे छोर से यहाँ पर विराट कोहली से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो जारी थी, लेकिन अक्षर पटेल आउट हुए तो उन्होंने 14 रनों का ही योगदान दिया, लेकिन विराट कोहली के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने की। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या ने यहां पर विराट कोहली के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच टीम का स्कोर हो चुका था 30 ओवर की समाप्ति के बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने 160 रन बना लिए थे। विराट कोहली ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 61 गेंदों पर 50 रनों की पारी पूरी कर डाली। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर सेट हो चुके थे, यानी कि अब टीम इंडिया की जीत ऐसा लग रहा था कि तय है। तभी यहां पर हार्दिक पांड्या ने 32वें ओवर में एक और शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद 33वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर टीम इंडिया का स्कोर अब 35 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रन हो चुका था, लेकिन तभी 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक खराब शॉट खेल बैठे विराट कोहली और वो कैच थमा बैठे डेविड वार्नर को। बेहतर गेंदों पर 54 रन बनाकर विराट कोहली भी चलते बने और टीम इंडिया को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर सारी जिम्मेदारी अब आ चुकी थी टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और टीम के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर, और दोनों ने शानदार साझेदारी भी की। इस दौरान कुछ बेहतरीन शॉट हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन उन्होंने 40वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का जड़ा। ये कमाल का शॉट था जो उनके बल्ले से निकला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 41वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया का स्कोर हो चुका था 47 ओवर में 240 रन, लेकिन अब यहां पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को आखिरी 3 ओवर में टीम को जीत दिलाने के लिए 30 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर 48वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिले और इन दो चौकों ने टीम इंडिया की इस मुकाबले में वापसी करवा दी और इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बनाए। तो अब आखिरी दो ओवरों में टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर 49वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद पर जहाँ कट के जरिए एक बेहतरीन चौका रविंद्र जडेजा ने लगाया, तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला हार्दिक के बल्ले से। जबकि दोस्तों 50वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया, क्योंकि आखिरी 5 गेंदों पर अब सिर्फ 2 ही रनों की जरूरत थी और बड़ी आसानी से टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच हुई इस 80 रनों की पार्टनरशिप ने मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों पहले मुकाबले में टीम इंडिया की जीत आपको कैसी लगी और इस जीत से खुश है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।